अभी दीवा के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। पूरे 20 मिनट लेट, ट्रेन अभी लेट है बोल रहे। साईनगर शिरडी वाले अच्छा हो गया। हैप्पी जुलाई सभी को। पटरियों पर पानी जमा होकर था पूरा फुल्ली। शेरावती एक्सप्रेस तो उल्टी जा रही है। रात के 2:32 हो गए, अभी तक ट्रेन आई नहीं हमारी। 5:17 आखिर 5:30 बजे ट्रेन आई गई और हम निकल गए। तो इतने मजे आ रहे कि मैं बता नहीं सकता क्या। टाइम हो रहा है 8:40 और अभी हम रूम पे फिलहाल। और OMG बैकपैकर देख रहा है इंडियन बैकपैकर का वीडियो। क्या देख रहे हैं? BMW। अरे BMW X7 की डिलीवरी है अनमोल भाई की। अरे कब कब है, कब है, कब है? अभी कल मीटअप रखा है ना उधर। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। अरे भाई इंडियन बैक चंडीगढ़। हम तो अभी साईनगर शिरडी जा रहे हैं, अभी चंडीगढ़ कैसे जाएंगे हम? यह हमारी रूम है, यहाँ पर ये खिड़की। और बारिश सुबह से आ रही है, अभी बारिश रुकी नहीं रही है। और ये 1R के रूम है, यहाँ पर ये किचन और ये बेडरूम। ये देखो इस तरह से, ये बाथरूम और ये टॉयलेट। खाना खा रहा था तू, थाली को छुपा दिया। इसको बोला कि मैं वीडियो बना था, तो इसने बोला अच्छा नहीं दिखता और थाली को छुपा दिया इसने। ये देखो, हम यूट्यूबर लोग झूठ नहीं बोलते पब्लिक से, सच। हाँ, अभी चश्मा लगाएगा रात में। इधर इधर देखना। लगा। तो गाइस सुबह से इतनी एक्साइटमेंट बढ़ रही है बहुत ही, यानी कि ये जो दिन है ये 12 घंटे कैसे जाए ऐसे लग रहा है सुबह से। आखिर 9 बजने के लिए आ ही रहे। तो आज जा रहे हम साईनगर शिरडी यानी कि मुंबई। दादर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन है 11:55 को और साईनगर शिरडी पहुंचेगी कल सुबह। तो आज है 30 जून और कल है 1 जुलाई। वाह, ट्रेन का टाइमिंग भी अलग ही है, 11:55 यानी कि कल लगेगा 1 जुलाई यानी दूसरा मंथ और आज है 30 जून। बहुत ही खास। और मुंबई में सुबह से बारिश चालू है आज 30 जून को। बहुत ही अलग ही मौसम है, पूरा पानी पानी हो गया है। और हमें यहाँ से करीब 9:30-9:45 को निकलना पड़ेगा, क्योंकि दीवा जंक्शन से जाना है हमें, लोकल पकड़ना पड़ेगा, फिर दादर जाना पड़ेगा। धीमी से गए तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा और फास्ट से गए तो 30-40 मिनट कम से कम लग ही जाएंगे, इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है। ओम अभी खाना खा रहा है, मेरा भी हो गया, बैग पैकिंग भी हो गई, तो अभी जल्दी निकलना पड़ता है। मिलेंगे हम दीवा के रेलवे स्टेशन पर। चलिए, और मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे हैं मिस्टर शांतनु व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत टाइम हो चुका है, 10 बजे यहाँ पर ही हम निकलते, बोले 9:30 को, पर यहाँ पर ही टाइम हो गया क्योंकि मौसी अभी लेट आई। हाँ। तो हम अभी निकल रहे हैं। चलो मौसी बाय, मिलेंगे, चलो हम जल्दी चल। हाँ बिल्कुल। अरे अरे, हाँ चांगला ये। हाँ, पैसे वगैरह आए का? मैं इतना टाइम हो गया और ये अभी अन्नी ले रहा है स्वीट सुपारी। ये देखो जल्दी आ। अभी दीवा के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। 9:57 को 60 जाने वाली धीमी लोकल है। तो चलिए अभी 10 बजी गई इधर ही। 9:57 की लोकल 10:15 को आई है। पूरे 20 मिनट लेट है, अभी कैसे जाएंगे, कितना लेट होता है पता नहीं। अभी 10:30 को थाना पे पहुंची हमारी मुंबई की लोकल और दादर को पहुंचने में करीब 1/2 घंटा और लगेगा। ये धीमी है, हर स्टेशन पर रुकती है। साढ़े 11 बज चुके हैं अभी तक दादर रेलवे स्टेशन आने के। 45 मिनट लेट है 11:30 और 11:55 की है। अभी ओम साईं, हम जल्दी पहुंचने थे दादर, अभी ठाणे भी नहीं जा सकते, दादर भी नहीं। अभी दादर चली तो दादर पहुंचे तो हमें ट्रेन भी मिल जाएगी। बहुत स्लोली जा रहे क्योंकि पानी मुंबई में बहुत चालू है, पटरी पे पानी आ रहा है पूरा। अभी क्यू रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और हमारे पास सिर्फ 25 मिनट बाकी है और 4 किलोमीटर है यहाँ से। रूट पे एक एक के पीछे एक ट्रेन है, देखो उसके पीछे ये इसके आगे
और इसके आगे भी एक ट्रेन है, ये देखो एक ही रूट पे। ये पानी भरने के वजह से पूरे पटरी बने हैं, देखो पटरी पे पानी, पटरी के बीचों बीच मुंबई के हाल है ये। 12:45 हमारे पास 10 मिनट है इसके, ये माटुंगा रेलवे स्टेशन है, इसके आगे है दादर। अभी देखेंगे ट्रेन मिलती है क्या नहीं। यार साईं बाबा साईं सरकार, मिलनी चाहिए ट्रेन। अभी तो पूरे 4 महीने बाकी है, मुंबई के हाल देखेंगे। अभी मुंबई में रहने वाले हम, देखेंगे क्या है मुंबई के हाल। और आखिर दादर में पहुँच गए जल्दी, दादर आ गए। 11:52 को हम पहुँच गए दादर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर ये कितना है 7 पर। और ट्रेन अभी लेट है बोल रहे, साईनगर शिरडी वाली, अच्छा हो गया थैंक गॉड मिल ट्रेन मिलेगी। अभी आएंगी कंफर्म इधर ही पता नहीं, और देखना पड़ेगा। अभी ये देखो 30:54 दादर के रेलवे स्टेशन पर ही 12:06 हो गए, यानी कि जुलाई मंथ चालू हो गया। तो विश यू हैप्पी जुलाई सभी को। और अभी ट्रेन तो बहुत लेट है, क्या मौसम है ना कभी देखा और ना कभी सुना भाई, बहुत ही खास। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई तिरुनेलवेली दादर एक्सप्रेस, इसका टाइम तो 9 बजे का है और अभी तक ये यहाँ पर रुकी हूँ क्योंकि पूरी पटरी भर चुकी है। देखो पानी, पटरी नहीं दिख रही है, देखो आगे। क्या भाई क्या मौसम है, लाजवाब। क्या सीन कभी देखा है क्या ओम तूने, ऐसा सीन देखा है ना क्या? अरे कब देखा है तू? पटरी पर पूरा पानी ही जमा होकर था और आगे ये काम चल रहा था पानी क्लियर करने का, ये देखो सब लोग। Hey guys, welcome back to our new vlog. So, आज की डेट ऑफ जर्नी बता दो आपको, वैसे तो 30 जून 2022 पर अभी 1 जुलाई 2022 चालू हो गया है। अभी लाइन क्लियर हो गई और बाजू की जो ट्रेन है वो जा रही है अभी। तो गाइज पूरा 1 बज गया है रात के और अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है हमारे ट्रेन का, कितना टाइम लगता है पता नहीं, बहुत लेट है। अभी की जो बाजू वाली ट्रेन है वो गई भाई। शेरावती एक्सप्रेस तो उल्टी जा रही है, देखो पीछे जा रही है, उधर से इधर जा रही है। रात के 2:32 हो गए, अभी तक ट्रेन आई नहीं है हमारी शिरडी जाने वाली। क्या भाई हमें तो अभी नींद भी आ रही है, OMG भाई अभी सो रहे हैं यहाँ पर, अभी तक मैं आराम कर रहा था, कितना टाइम है पता नहीं। अभी इतना लेट हुआ, क्या जर्नी है चल रही है हमारी मुंबई में, टाइम हो गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 5 बज चुके, ट्रेन अभी आ रही है, ये देखो अभी आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगने वाली है। रात को 12 बजे की ट्रेन और सुबह अभी लग रही है 5 बजे, यानी कि पूरी 5 घंटा लेट है और 5:30 बजे छूटेगी। पहली बार जा रहा हूँ ऐसी जर्नी, वो भी साईनगर शिरडी जा रहे हैं हम। बज गए 5:17, अभी हम लगेज वगैरह सब अंदर रख दिए। ये देखो 11041 दादर मुंबई साईनगर पंढरपुर एक्सप्रेस यहाँ पर अभी आ चुके है, 5 घंटा लेट, 12 बजे की ट्रेन और मॉर्निंग के 5 बजे आई है अभी। और कितना, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता पता नहीं। लिटरली आपको क्या बताऊँ, नींद तो नींद हुई नहीं रेलवे स्टेशन पर, और ठंडी तो ठंडी है पानी की वजह से, और ट्रेन यहाँ पर 5 घंटा लेट। अभी वहाँ पर 10 बजे पहुँचने वाले थे तो अभी 2-3 बचेंगे दोपहर के, देखते हैं। पूरी जर्नी अलग ही लग रही है मुझे, थकान थकान सी लग रही है अभी तो, अभी कुछ नहीं, अभी ट्रेन आ गई तो अभी टेंशन नहीं। शायद लोको इंजन लगा दिया होगा, B1 कोच है हमारा, AC 3 टीयर, ये देखो इस तरह से 4 और 5 नंबर की सीट है हमारी। और यहाँ पर लिनन शॉल है क्या नहीं, क्या ठंडी में अभी कैसे होते क्या पता, लिनन शॉल रहना चाहिए नहीं ठंडी में हमारे लग जाएंगे। की बारिश और चालू हो गई है और क्या होगा आगे पता नहीं, बारिश के वजह से 5 घंटा # मुंबई की रेन और # इंडियन रेलवेज। बारिश के वजह से 5 घंटा लेट थी ट्रेन और बारिश चालू हो गई। AC 3 टायर B1 कोच का आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ अंदर से।
से पर्दे भी दिए गए, ये ग्लास, ये टेबल, ये हमारी लगेज, ये सीटें, ये 4 ओम की और 5 जो है ये मिडल की मेरी। इस तरह से एसी चालू है और लिनन शॉल यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है और हमने कुछ लाया नहीं शॉल वगैरह, तो ठंडी है अभी, देखेंगे क्या सीन होता है। अभी पैसेंजर बोर्डिंग कर रहे हैं। ये तो सेवाग्राम एक्सप्रेस का जो लुक था अंदर से, इंटीरियर रेड कलर के सीट्स, वो इसका भी इंटीरियर वही है, सेम लुक लग रहा है मुझे तो, वही फीलिंग आ रही है। ये देखो इधर, यहाँ पर 2 सीट्स रहती है नीचे और ऊपर, और यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर, और इस साइड भी 1, 2, 3। चलो एसी चालू है, ठंडा ठंडा मौसम, पर कुछ भी बोलो बहुत मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी नींद नहीं हुई है रेलवे स्टेशन में, कैसी नींद, अपने लगेज रहते ध्यान रखना पड़ता है इसीलिए, नहीं तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आगे तो बहुत मज़ा आएगा, और बारिश का मौसम है, पहाड़ी इलाके से जाने वाली है, यहाँ से मुंबई से डायरेक्ट पुणे रूट से जा रही, अलग रूट है, पहली बार जा रहा हूँ उस रूट पे, तो मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट बढ़ रही है, बहुत मज़ा आएगा। 5:30 बज चुके हैं, अभी रात में जर्नी करने वाले थे, रात में तो कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखाने वाला नहीं था, पर अभी सुबह की जर्नी होगी, यानी कि अभी 6 बजे तक पूरा ब्राइटनेस हो जाएगा, तो पूरा दिखाऊँगा आपको। चलिए मज़ा आएगा। हमारी ट्रेन 5:40 से दादर से छूट गई साईनगर शिरडी जाने के लिए, पूरा 5 घंटा 6 घंटा दादर पे रुक गए। ये देखो सुबह के 5:40 हो गए, 7 मिनट पे पहुंच गई, करीब 24 किलोमीटर पार करने के बाद पहला स्टेशन ठाणे। ये देखो ठाणे स्टेशन पे पहुंची है सुबह सुबह 6:07, और यहाँ पर कुछ कॉफ़ी वगैरह पीना पड़ेगा अभी, मुंह तो साफ कर लिया है मैंने, फ्रेश हो चुका। पूरे करने के बाद ट्रेन पहुँचे कल्याण जंक्शन पे 6:40 पे, और यहाँ पर यहाँ से भी निकलने वाली है, सिग्नल मिल चुका है अभी। यहाँ से देखो रूट चेंज हो रहा है, यहाँ से जाएगा सीधा दिल्ली की ओर, नागपुर की ओर, और हमारी ट्रेन राइट साइड मुड़ रही है और वो जाएगा पुणे की तरफ। ये देखो ये जा रहा है पुणे की तरफ, लोकल भी जा रही है, कल की मज़ा ही आ गई लोकल की भाई, इतना मज़ा ही अलग है। अभी तो मुंबई की बारिश चालू हो चुकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। इस रूट पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो देखूँगा मुझे बहुत से नए नए घाट, नए वेदर, नया नेचर देखने को मिलेगा। ऊपर से मालगाड़ी जा रही, ऊपर भी रूट, वाह ये तो अलग ही सीन है, मज़ा ही कुछ और है गाइस। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, we'll be right back।
स्टेशन है, यहाँ पर तो ट्रेन का स्टॉप नहीं है, पर ट्रेन को सिग्नल नहीं इसीलिए रुकी है ट्रेन यहाँ पर। परजत रेलवे स्टेशन मुझे तो इतने मज़े आ रहे कि मैं बता नहीं सकता क्या मज़े आ रहे। बारिश में वो भी ट्रेन जर्नी, भाई अनबिलीवेबल, बहुत ही खास। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी ट्रेन जर्नी हो सकती है। लाइव एक्सपीरियंस बहुत ही हार्ड रहता है, शूट होता है पर उतना आप समझ नहीं पाओगे, जो लाइव रहता है बहुत ही खास रहता है। मैं पूरा देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ पूरा नेचर। आई लाइक इट, आई लव दिस ट्रेन जर्नी रियली रियली। नौ बजकर 20 मिनट में पहुंच गए पुणे जंक्शन को, हमारी साईनगर शिरडी एक्सप्रेस। और बारिश यहाँ पर भी चालू है, देखो यहाँ पर भी बहुत जोर से बारिश चालू है। पुणे जंक्शन पर बड़ा इडली ले लिया हमने 40 रुपये, ऑनलाइन पेमेंट किया क्योंकि पॉकेट में पैसे है ही नहीं, तो ऑनलाइन पेमेंट करता बोले तो चलता है। यहाँ पर पानी बॉटल लिया, रेल नीर, एक शॉप पर पूछा ऑनलाइन पेमेंट चलेगा, अगर नहीं बोला तो यहाँ पर गया था और पूछा था और मिल गया ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल, और पानी बॉटल मिल गया हमें। चलिए
यहाँ पर लिया मैंने कॉफ़ी 20 रुपए की गरम, बिल्कुल कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है, बारिश में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और। फोन के भी फोन पे की सिस्टम है तो अच्छा है, अभी 20 रुपए की कॉफ़ी पी का पीना पड़ रहा है क्योंकि अभी उसमें फ़ोन पे है और वो ज़्यादा रेट रह रहा है, पॉकेट में कैश कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छा है, जाने दो, मिल रहा है वो ही अच्छा। दोपहर के बज गए 1 और ये कौन सा तो विसापुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर स्टेशन स्टॉप नहीं है, छोटा सा स्टॉप लिया गया है ऐसे। और यहाँ से करीब साईनगर शिरडी 150 किलोमीटर है और ये सिंगल लाइन रेलवे है, यहाँ पर ये डबल दिख रही है, आगे जाके देखेंगे तो सिंगल लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड है पर सिंगल लाइन है। और यहाँ का वेदर देखो, ये देखो बादल, देखो बादल डिजाइन बाज, पूरे डिजाइन लग रहे हैं बादल। भाई ने तो ट्रेन देख के स्पीड बढ़ा दी स्कूटी की, उसे भी मजा आ रहा है, रेसिंग लगा दिया साईनगर शिरडी एक्सप्रेस से, प्लेजर हीरो प्लेजर है, ऐसे रोड पे चलाने के लिए मज़ा आ रहा है, अच्छे रोड पे टू व्हीलर्स और बाजू में से भी यार कितना अच्छा लगता है, बजाओ भाई बजाओ। जीसापुर नाला 7x6.10 मीटर। ये पेट्रोल होगा शायद, डीजल पेट्रोल जीएसटी के अंदर आ गया ना पेट्रोल, हाँ सस्ता हो जाए। अहमदनगर आ गया, अहमदनगर को एक्यूरेट टाइम 1:40 को आ गई। अहमदनगर महाराष्ट्र में ही आता है, काफ़ी नाम सुना है अहमदनगर का मैंने, आपने भी सुना ही होगा, कभी आया नहीं इधर में पहली को चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर था इंजन लोको, वहाँ से निकल कर उधर लगाया पीछे, यहाँ से 38 किलोमीटर है शिरडी। और कितना टाइम हो गया, 3:42 हो गया, देखेंगे अब, यानी तो 4:30 भी बच सकते यार, बहुत टाइम हो रहा है। साईनगर शिरडी के रेलवे स्टेशन पर 4:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, 4:30 टाइम दिखाया पर आधा घंटा और ज़्यादा लिया, 4:30 पूरा, यानी कि पूरे 7 घंटे लेट है हमारी ट्रेन। ये देखो 9:30 को पहुंचने वाली, 4:30 को पहुंची है। पूरा व्यू दिखा दिया है आपको, मुंबई दादर से चालू किए थे हमने ब्लॉग और अभी साईनगर शिरडी में पहुँच चुके हैं। 4:30 बजे सुबह की ट्रेन थी, यानी कि रात की ट्रेन थी और सुबह 9:30 बजे पहुँचने वाली थी, तो वहाँ से सुबह 5:30 बजे ट्रेन निकली और यहाँ पर 4:30 बजे पहुँची, यानी पूरे 7 घंटे वेस्ट हुए हमारे, 7 घंटे पूरे लेट है। तो पूरा देख लिया, ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, मुंबई टू साईनगर शिरडी ट्रैवल ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से,
शिरडी व्यू पूरा, शिरडी दर्शन। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में शिरडी दर्शन के लिए। ओके सो बाय गाइज, बाय।